हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे और अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे, विच इज़ लाइक मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपको आपका अच्छी तरह से ध्यान रखना है, हम सभी को अपना अच्छी तरह से ध्यान रखना है, बिकॉज़ टाइम इज़ नॉट गुड, नॉट फेवरेबल। सबसे पहले तो अपोलोजीज़ कि मैं आप लोगों को ना ईद की मुबारकबाद दे पाई हूँ और ना ही अक्षय तृतीया की। बिलेटेड ही सही है, मेरी तरफ़ से आप सभी को ईद मुबारक एंड अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे घर की हालत थोड़ी ठीक नहीं है, मैंने दो दिन से कोई व्लॉग भी नहीं बनाया, कल भी छुट्टी हो गई थी और आज भी मैं कोई व्लॉग नहीं बना रही हूँ। मन अच्छा नहीं हो रहा था दो दिन से ही। एक्चुअली मैं आपको शुरू से बताती हूँ, हमारे फैमिली में हमारे जीजा जी हैं वो, और ही सच अ हम्बल ह्यूमन बीइंग, सच अ नाइस ह्यूमन बीइंग। उनकी तबीयत पिछले कई दिनों से अच्छी नहीं थी, तो ही वाज टेस्टेड कोविड पॉजिटिव। फिर उनको एक हॉस्पिटल में रखा गया था, वहाँ पे अराउंड 20 डेज़ उनका ट्रीटमेंट हुआ और इसके बाद उनको रेफ़र कर दिया गया। अ मेजर पार्ट ऑफ हिज लंग्स वाज इन्फेक्टेड। तो दो दिन से पूरा ही परिवार, मतलब हम सभी लोग, सिर्फ हम नहीं पूरा ही हमारा परिवार बहुत ही ज़्यादा चिंता में था, कुछ भी करने जैसा मन ही नहीं हो रहा था। यही वजह भी है कि मैं कुछ ब्लॉगिंग भी नहीं कर रही थी, क्योंकि कुछ भी चाहकर यू नो दिमाग वहाँ से नहीं हट रहा था। इनफैक्ट कल डॉक्टर ने उनका हेल्थ अपडेट दिया तो वो थोड़ा सा डराने वाला था। हम सभी लोग प्रे कर रहे थे जितना हमसे हो सकता था। अब ये हालात भी ऐसे हैं कि हम चाहकर भी एक दूसरे के नज़दीक नहीं जा सकते, बहुत डिफ़िकल्ट टाइम्स हैं। तो आज सुबह अनफॉर्चुनेटली हम लोग को ये न्यूज़ मिला, दैट इज़ नो मोर। और आज अक्षय तृतीया भी है, आज के लिए बहुत सारी चीज़ें मैंने प्लान कर रखी थी, बट अभी तो वी ऑल आर ग्रीविंग किसी भी चीज़ में। मतलब मैं शायद जो फील कर रही हूँ या ऐसे वक्त पे जो फीलिंग्स होती हैं उनको शब्दों में बयान करना थोड़ा मुश्किल है। आई जस्ट विश बस ये सभी हालात थोड़े सुधर जाएं, गॉड गिव अस ऑल स्ट्रेंथ और ये सब चीज़ें जल्दी से ठीक हो जाएं। मैं व्लॉग डालती हूँ ना, तो मुझे व्लॉग में भी आप लोग के भी कॉमेंट्स आते हैं, कितना टफ़ टाइम में से आप में से भी बहुत लोग गुजर रहे हैं। कभी कभी समझ नहीं आता, बहुत हेल्पलेस वाली फीलिंग आती है। मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि यार बहुत अच्छा ध्यान रखिए आप। ये चीज़ें कुछ भी बता कर नहीं आता, जैसे कुछ होता है ना डिजीज़ तो उसका पहले से आपको पता चल जाता है, आप डायग्नोस कर सकते हो, फिर उसी हिसाब से ट्रीटमेंट ले सकते हैं, सही हो जाते हैं। ये तो ना पता नहीं क्या, बस अपना ना अच्छी तरह से ध्यान रखिए। ज़रूरी नहीं है तो बाहर मत जाइए। मुझसे कोई लोग पूछ रहे थे आप सब्ज़ी घर पे मंगाती हो, कैसी सब्ज़ियाँ आती हैं, कभी अच्छी आती हैं कभी अच्छी नहीं आती हैं, बट बात यह है कि बाहर नहीं जाना पड़ता है, वो भैया सबके यहाँ दे जाते हैं, तो मेरे लिए अभी वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगेन आप सभी अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। जैसा मैं बता रही थी, आज है अक्षय तृतीया और पिछले एक हफ्ते से आज के लिए मैंने कुछ प्लान कर रखा था। मैं एक्चुअली आपके साथ एक बहुत बड़ा रिवील करने वाली थी रिगार्डिंग आवर बिजनेस, जो आज के लिए ही था, पर अभी वो पोस्टपोन कर दिया है। दिस इज़ नो गुड टाइम। जब दो चार दिन फ्यूचर में, अभी मुझे पक्का नहीं पता है, ये पापा और शर्मा जी डिसाइड करते हैं, जब भी जैसा जो रहेगा वो आपको तो पता चल ही जाएगा। फ़िलहाल के लिए चीज़ें पोस्टपोन कर दी गई हैं। आज के दिन, आज के समय में उतना एनर्जी नहीं है, वी आर नॉट मेंटली स्टेबल। और हम लोग तो फिर भी यू नो कैसे बताऊँ, दुख मेजर नहीं किया जा सकता किसी का, पर मेरी सासू मॉम तो बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड हैं दीदी से, उनकी तो सुबह से बस आई जस्ट विश चीज़ें ठीक हो जाए। तो अभी इसलिए मैंने कल भी व्लॉग नहीं डाला था, आज भी एज आई टोल्ड यू नथिंग इज़ हैपनिंग। कल जो व्लॉग आएगा शायद नहीं आएगा, आई एम नॉट वेरी श्योर, पर अगर आएगा तो वो पीछे के रिकॉर्डेड क्लिप्स हैं सारी लेटेस्ट डेज़ में। आजकल में मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ। और हाँ, मुझे एक बात और कहनी थी। मैं देखिए, आई नेवर सेड कि मैं बहुत अच्छी तरह बात करती हूँ, आई एम अ गुड ओरेटर।
मैं सिर्फ आप लोगों को अपना समझ के अपने मन की बात आपसे रख देती हूँ। माध्यम कुछ भी हो, मतलब वर्ड्स मेरे हिंदी हो सकते हैं, इंग्लिश हो सकते हैं, आप में से जो लोग मेरी बात समझना चाहते हैं वो समझ जाते हैं। तो कहीं कहीं मैं कोई वर्ड अगर गलत इस्तेमाल कर देती हूँ तो आई एक्सपेक्ट कि आप मुझे उसके लिए एक्सक्यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई वर्ड आपको बुरा लग जाए तो आप उतना समझ लीजिए कि मैंने इंटेंशनली वो नहीं कहा है, मेरा उस वक्त क्या मानसिक हालत है, उस वक्त जो मेरे दिमाग में जो वर्ड आया मुझे, मैं उस वक्त वो बोल जाती हूँ। बिकॉज़ आई नो मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप लोग समवेयर मुझसे अटैच्ड हो, मेरे दोस्त हो, आप लोग मेरी बात समझ जाओगे। मेरे शब्दों पे ध्यान ना देकर उन शब्दों के पीछे जो मेरी भावना है, जो उन शब्दों से मैसेज कन्वे होना चाहिए, वो आप समझ जाओगे। तो अगर आपको कभी भी कहीं भी ऐसा लगा आज के वीडियो में या पीछे किसी वीडियो में जब मैं आपसे कोई अच्छी बात कहना चाह रही हूँ लेकिन समहाउ आपके हिसाब से मैंने कोई गलत शब्द का इस्तेमाल कर दिया है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। मेरा इंटेंशन वैसा कुछ भी नहीं है एंड आई होप यू अंडरस्टैंड। तो प्लीज़ शब्दों पे मत जाइए, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड मेरा इमोशन उसके पीछे। और मैं पिछले वीडियो में भी यही कह रही थी, मैं आज फिर यही कह रही हूँ, आपका ध्यान रखिए बहुत अच्छी तरह से। अभी तो हम सेकंड वेव से गुज़र रहे हैं जो पहली वेव के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, और इसके बाद भी ये चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही हैं। आप अगर न्यूज़ देखें, पढ़ें आर्टिकल्स, तो अभी थर्ड एंड फोर्थ वेव भी मानव जाति को सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग रहिए, जो एहतियात बरत सकते हैं वो बरतिए, अपने आप को वैक्सीन करवा लीजिए। मुझे पिछली वाली वीडियो में बहुत लोगों ने बताया था कि बहुत लोगों ने वैक्सीन करवा लिया है, बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने। हम लोग का दो तीन हफ्तों से टलता ही जा रहा है। आज फिर शर्मा जी फॉलो अप ले रहे थे, एटलीस्ट मम्मी पापा का हो जाए, वो बड़े हैं। मैं और शर्मा जी थोड़े वक्त बाद भी अगर हमारा अपॉइंटमेंट आता है तो चलेगा। तो फिलहाल हम लोग इस तरफ ध्यान दे रहे हैं कि किसी तरह भी जल्दी से जल्दी हम चारों वैक्सीनेट हो जाएँ। जो कोरोना का फर्स्ट वेव था ना, उसके बाद मैं भी आप भी ज़्यादा लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे सेकंड वेव का। हम लोग सोच रहे थे सभी लोग कि किसी तरह भगवान ने कोरोना ख़त्म हो जाए। हाँ, वैक्सीन्स आ गए तो एक उम्मीद बढ़ गई थी, हम लोग सभी लोग होपफुल हो गए थे कि अभी वैक्सीन सबको लग जाएंगी तो फिर इस चीज़ का नामो निशान ही ख़त्म हो जाएगा। धीरे धीरे हम सभी लोग अपनी इम्यूनिटी पर भी काम करने लगे थे, बट अभी जब ये सेकेंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव जैसी न्यूज़ मिलती है तो बहुत डर लगता है। ऐसा लगता है जैसे इसके साथ जीना ही होगा। अनडाउटली सारे ही मेजर्स लिए जा रहे हैं, फिजिकल इंडिविजुअल लेवल पे भी, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे भी, बट समहाउ जिम्मेदारी थोड़ी सी हमारी अपनी भी बढ़ जाती है। जितना हो सके आप सैनिटाइजेशन पे, हाइजीन पे, इम्यूनिटी पर ध्यान दीजिए, अपना ख्याल रखिए। जैसे भी हो ये वक्त गुजर जाएगा। और यस, मेरी तरफ से बिलेटेड ही सही, प्लीज़ एक्सेप्ट माई हार्ट फेल्ट विशेज़ फॉर ईद एंड अक्षय तृतीया। भूल गई यार, मैं नहीं विश कर पाई, वक्त ही नहीं मिला मुझे, हालात ऐसे नहीं थे। बस इसी के साथ मैं ये छोटा सा वीडियो एंड करती हूँ। आप सभी लोग अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। मैं जल्दी मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।